कि भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन का आज सौभाग्य हमें सपरिवार मिल रहा है। मैं उनके चरणों में जाकर के इसके लिए उनका आभार प्रकट करूंगा, कोटि कोटि आभार प्रकट करूंगा। उनके दर्शन मात्र से ही, जब कहा जाता हो कि भगवान प्रभु राम के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को बहुत असीम ताकत मिलती है, मैं तो ताकत इस बात के लिए मांगूंगा कि अपनी विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार, अपने जनपद के लोगों को और प्रदेश भर के उन तमाम लोगों को जो कि अभी भी समाज में अंतिम पायदान पे किसी कारण से पड़े हैं, उनको छांटना है, उनको ढूंढना है और उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। मैं ये जरूर उनसे भगवान से मांगूंगा। दर्शन करने जा रहे हैं, कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि जहां पे समाजवादी पार्टी में थे वहां कई बार देखा गया रामचरितमानस का कभी अपमान किया गया, कभी राम का, कभी सदन में उनके विरोध में किया गया। कितने हजार वर्ष पूर्व लिखी रामचरितमानस पर लोगों ने टिप्पणी की, लेकिन मनोज पांडे जिंदा व्यक्ति हैं और मैं मानता हूं कि अगर व्यक्ति सही नहीं बोल पाता है तो वो मृत शरीर के बराबर है। मैंने वहां पर भी इसका विरोध किया है, लगातार किया है, इसका प्रतिरोध किया है और मैं बहुत हर्षित हूं, बहुत मन में खुशी है। जिसके जैसे समाजवादी पार्टी से अलग हुए हैं? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में हूं, मैं कहां अलग हुआ हूं? जो अभी बीच में आकलन चल रहा है? नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी में हूं और मैंने वहां पर भी जब भगवान प्रभु राम के बारे में गलत टिप्पणियां की गई हैं उनका मैंने विरोध किया है। गलत चीजों का लगातार विरोध करेंगे, अनैतिक चीजों को मनोज पांडे ने कभी बर्दाश्त नहीं किया अपने जीवन में, इसके लिए मैंने बहुत नुकसान उठाया। लेकिन भगवान प्रभु राम के ऊपर हमला हो, भारत माता के ऊपर हमला हो, सनातन पर हमला हो, ये अधिकार न भारत के संविधान में और ना एक स्वस्थ और सभ्य समाज में किसी को दिया गया है। जो इसका अपमान करेगा, जो गलत टिप्पणी करेगा, उसका अस्तित्व समूल रूप से नष्ट हो जाएगा। सपा के घटक दल है पल्लवी पटेल, उन्होंने भी टिप्पणी करी है, विधायकों पे कहा है कि राम की भक्ति भी करने से भी उनके आगे झूठ बोलने से कोई इसका फायदा नहीं होगा। नहीं, उनका भी काम नहीं बन पाया है, उन्होंने प्रयास किया था, काम नहीं बन पाया है, तो वो उनकी किसी बात पर हमको कोई जवाब नहीं देना। उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है और दिमाग को एकाग्र करने की जरूरत है कि कहाँ खड़ा होना चाहिए और कहाँ क्या बोलना चाहिए। अभी आप निकल रहे हैं, इससे पहले अभी आप सीएम योगी से भी मुलाकात करेंगे? नहीं नहीं, हम अपने निजी काम से जा रहे हैं और फिर परिवार आ रहा है, उसके बाद दर्शन के लिए परिवार के साथ जाएंगे। जी, कि भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन का आज सौभाग्य हमें सपरिवार मिल रहा है। मैं उनके चरणों में जाकर के इसके लिए उनका आभार प्रकट करूंगा, कोटि कोटि आभार प्रकट करूंगा। उनके दर्शन मात्र से ही, जब कहा जाता हो कि भगवान प्रभु राम के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को बहुत असीम ताकत मिलती है, मैं तो ताकत इस बात के लिए मांगूंगा कि अपनी विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार, अपने जनपद के लोगों को और प्रदेश भर के उन तमाम लोगों को जो कि अभी भी समाज में अंतिम पायदान पे किसी कारण से पड़े हैं, उनको छांटना है, उनको ढूंढना है और उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। मैं ये जरूर उनसे भगवान से मांगूंगा। दर्शन करने जा रहे हैं, कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि जहां पे समाजवादी पार्टी में थे वहां कई बार देखा गया रामचरितमानस का कभी अपमान किया गया, कभी राम का, कभी सदन में उनके विरोध में किया गया। कितने हजार वर्ष पूर्व लिखी रामचरितमानस पर लोगों ने टिप्पणी की, लेकिन मनोज पांडे जिंदा व्यक्ति हैं और मैं मानता हूं कि अगर व्यक्ति सही नहीं बोल पाता है तो वो मृत शरीर के बराबर है। मैंने वहां पर भी इसका विरोध किया है, लगातार किया है, इसका प्रतिरोध किया है और मैं बहुत हर्षित हूं, बहुत मन में खुशी है। जिसके जैसे समाजवादी पार्टी से अलग हुए हैं? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में हूं, मैं कहां अलग हुआ हूं? जो अभी बीच में आकलन चल रहा है? नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी में हूं और मैंने वहां पर भी जब भगवान प्रभु राम के बारे में गलत टिप्पणियां की गई हैं उनका मैंने विरोध किया है। गलत चीजों का लगातार विरोध करेंगे, अनैतिक चीजों को मनोज पांडे ने कभी बर्दाश्त नहीं किया अपने जीवन में, इसके लिए मैंने बहुत नुकसान उठाया। लेकिन भगवान प्रभु राम के ऊपर हमला हो, भारत माता के ऊपर हमला हो, सनातन पर हमला हो, ये अधिकार न भारत के संविधान में और ना एक स्वस्थ और सभ्य समाज में किसी को दिया गया है। जो इसका अपमान करेगा, जो गलत टिप्पणी करेगा, उसका अस्तित्व समूल रूप से नष्ट हो जाएगा। सपा के घटक दल है पल्लवी पटेल, उन्होंने भी टिप्पणी करी है, विधायकों पे कहा है कि राम की भक्ति भी करने से भी उनके आगे झूठ बोलने से कोई इसका फायदा नहीं होगा। नहीं, उनका भी काम नहीं बन पाया है, उन्होंने प्रयास किया था, काम नहीं बन पाया है, तो वो उनकी किसी बात पर हमको कोई जवाब नहीं देना। उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है और दिमाग को एकाग्र करने की जरूरत है
कि कहाँ खड़ा होना चाहिए और कहाँ क्या बोलना चाहिए। अभी आप निकल रहे हैं इससे पहले, अभी आप सीएम योगी से भी मुलाकात करेंगे? नहीं नहीं, हम अपने निजी काम से जा रहे हैं और फिर परिवार आ रहा है, उसके बाद दर्शन के लिए परिवार के साथ जाएंगे जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।